थ्री को गर्म करोगे इस वाले कंपाउंड को, तो रिएक्शन एक बार देख लेते हैं। रिएक्शन देख लेते हैं। 4KClO3 को आप गर्म करिए, 4KClO3 को गर्म करिए तो आपने पढ़ी भी होगी यहाँ पर रिएक्शन 3KClO4 बनता है, 3KClO4 बनता है और बनेगा आपका यहाँ पर KCl बनेगा। अब KClO4 को गर्म करो, KClO4 को आप गर्म जब करोगे तो यहाँ पर KCl निकलता है, KCl निकलता है और साथ में निकलता है 2O2, ये निकल जाता है। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ गैस ऑन हीटिंग, वो तो समझ में आ गया, इट फर्स्ट मेल्ट्स एंड देन रिसॉलिडिफाइड एंड देन लिबरेट अ गैस। ठीक है, पहले ये मेल्ट हुआ और मेल्ट होने के बाद इन्होंने गैस बनाई, उसके बाद इट फर्स्ट मेल्ट एंड देन रिसॉलिडिफाई हो गया। किसमें रिसॉलिडिफाई हो गया? KCl, फिर KCl में बन गया, यानी पहले भी KCl बना और फिर यही रीफॉर्मेशन हो गया KCl का, तो इसीलिए फिर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। तो सब लोग इसको पढ़ करके रखिए, पढ़ करके रखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्कली मेटल के कहीं नहीं मिलेंगे आपको ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को आप जरूर ध्यान से करिए। भले हम 20 क्वेश्चन करें लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एन एक्सेस ऑफ द डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज ग्रेजुअली एडेड विद शेकिंग टू एन एक्व सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। यानी कि एक्सेस ऑफ द डाइल्यूट सोल्यूशन NaOH का जब डालेंगे जिंक सल्फेट में तो आपका जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा, और जिंक हाइड्रोक्साइड बनने के बाद वो जैसे एल्युमिनियम वाली कंडीशन थी वही कंडीशन यहाँ पर इनिशियली, तो शुरुआत में ZnOH का होल ट्वाइस बनेगा, ZnOH का होल ट्वाइस बनेगा, उस बाद में जैसे वहाँ एल्यूमिनेट बना था ऐसे यहाँ सोडियम जिंकेट बन जाएगा। जब एक्सेस में इसमें डालोगे NaOH, जब इसमें एक्सेस में NaOH डालोगे तो यहाँ पर Na2ZnO2 बनेगा, Na2ZnO2 बनेगा, जैसे वहाँ NaAlO2 बन रहा था। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर्स विच डिसॉल्व टू गिव अ कलर लेस सोल्यूशन, यानी कि सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट जाएगा, सेकेंड वाला राइट जाएगा। तो मनु जवाब दीजिए, देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सीरीज आपको जल्दी नहीं मिल पाएगी। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो एग्ज़ाम नवोदय विद्यालय का हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम हो, चाहे वो UP PGT का एग्ज़ाम हो, इन सभी में इसी लेवल के क्वेश्चंस, UP PGT का हो, इसमें सभी इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन पर चले आइए, फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाले क्वेश्चन पर चले आइए। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोडियम इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ द सोडियम एंड कैल्शियम क्लोराइड। यानी कि ठीक है, सोडियम इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ द सोडियम एंड कैल्शियम क्लोराइड इन अ स्टील सेल यूजिंग द ग्रेफाइट एनोड एंड आयरन कैथोड। ग्रेफाइट को एनोड की तरह, आयरन को कैथोड की तरह यूज किया गया। नो कैल्शियम इज लिबरेटेड सिंस, कोई कैल्शियम इसमें लिबरेट नहीं होता है। इट बिलोंग्स टू अ हायर ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, ये तो कोई मैनर हुआ नहीं, कोई मतलब हुआ नहीं, ये जवाब ही नहीं है। इट कम्बाइंस विद लिबरेट क्लोरीन टू फॉर्म द कैल्शियम क्लोराइड, नहीं ये भी नहीं बनेगा। इट डिस्चार्ज पोटेंशियल अंडर द दिस कंडीशन इज हायर देन दैट ऑफ द सोडियम, बिल्कुल सही है। यानी कि इसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो जो है वो सोडियम से ऊपर है, यानी इट्स डिस्चार्ज पोटेंशियल अंडर दीज कंडीशंस इज हायर देन दैट ऑफ द सोडियम, यही आंसर इसका सही होगा। इट इज मोर रेडली फ्यूजिबल देन सोडियम क्लोराइड, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, फ्यूजिबल नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल थर्ड हमारा राइट ऑप्शन है। यानी कि अगर हम इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल देखें तो वो सोडियम से ऊपर आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन फिफ्थ क्वेश्चन, मनु आज जवाब दो, देखें कितनी ताकत से तुमने याद किया है, आज जवाब दीजिए, मजा आएगा जरूर। बाकी लोग बिल्कुल साइलेंट हैं, बहुत लोग लाइन पर, लेकिन देख रहे हैं कि सब साइलेंट मोड में चले गए हैं, साइलेंट मोड में चले गए, इसलिए साइलेंट मोड में बिल्कुल नहीं जाना है, डटे रहना है ना। प्रीति सक्सेना, डटे रहिए। If NaOH is added to aqueous solution of the zinc dipositive ion, a white precipitate appears and on adding excess of the, बिल्कुल अभी हमने ऊपर किया है, बिल्कुल फिफ्थ क्वेश्चन को अभी हमने ऊपर की तरफ किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ताकतवर क्वेश्चन है और बहुत ही स्ट्रेंथ इनकी क्वेश्चंस की बहुत अच्छी है। स्ट्रेंथफुल क्वेश्चन है, आपको ताकत लगानी पड़ेगी। यहाँ पर स्ट्रेंथफुल क्वेश्चन है, ताकत आपको लगानी पड़ेगी जी। अभी हमने ऊपर किया है इफ NaOH इज एडेड टू द aqua solution of the zinc dipositive ion, a white precipitate appears on adding excess of the NaOH, then precipitate dissolve भी हो जाता है सोडियम यानी Na2ZnO2, सोडियम Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनता है। तो इन दिस सोल्यूशन जिंक एग्जिस्ट इन एनाइनिक पार्ट होगा। जिंक कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? तो जिंक एनाइनिक पार्ट है, क्योंकि ये यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव पार्ट में तो जिंक एग्जिस्ट करेगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन को भी नहीं आप समझ पा रहे हो मनु, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ वाले का जवाब मैं आपको दे तो रहा हूँ। अगर इसे तोड़ोगे तो 2Na पॉजिटिव आयन बनेगा, 2Na पॉजिटिव आयन बनेगा और ZnO2 डाई नेगेटिव आयन बनेगा, ZnO2 डाई नेगेटिव आयन बनेगा। कौन से पार्ट में है पूछा? द प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स इन दिस सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन कैटायनिक पार्ट, एनाइनिक पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है जिंक। जिंक एग्जिस्ट इन एनाइनिक पार्ट, ठीक है। तो उसका मतलब क्वेश्चन की लाइन लेंथ देखिए कितनी जबरदस्त है। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है पीजीटी के एग्जाम के लिए। मनु कैसा लगा आपको क्वेश्चन, जरूर बताइए कैसा लगा आपको क्वेश्चन, जरूर बताइएगा। उसके बाद आ जाते हैं Na2CO3। Na2CO3 and NaHCO3 may be distinguished by treating their aqua solution with litmus solution के साथ में अगर आप करोगे, dilute acetic acid के साथ करोगे, MgSO4 के बाद और MgO के साथ में। तो सिक्स्थ वाले का जवाब आप अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे अगर हम इसमें लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे तो एसिडिक करेक्टर ये भी शो करेगा, ये बिना ये आपका NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, नहीं जबरदस्त मजा। सॉल्ट है, नहीं शो करेंगे, डाइल्यूट एसिटिक एसिड से भी कोई फायदा नहीं निकलेगा। अगर हम लोग मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो पहला वाला यानी Na2CO3 जो है, Na2CO3 अगर हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट के साथ मिला देते MgSO4 के साथ में, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट देगा MgCO3 का वाइट प्रेसिपिटेट देगा। जबकि NaHCO3 जो है वो सॉल्युबल हो जाएगा, अगर मतलब बनाया भी, रिएक्शन तो करेगा लेकिन ये सॉल्युबल बना लेगा MgHCO3 का होल ट्वाइस, तो ये सॉल्युबल हो गया, ये तो वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा नहीं और ये वाइट पीपीटी बना लेगा। तो सिंपल सी बात है कि जवाब हमारा ये हो जाएगा सी वाला। The gas that is evolved when NH4NO3 is heated with sodium hydroxide। जब NH4NO3 को हीट किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ में, तो क्या बनेगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। NaNO3 निकलेगा, अमोनिया निकलेगा और वाटर निकलेगा। जहां तक मुझे याद आ पा रहा है NaNO3 निकालिए, देखो NaNO3 निकालिए, चेक करिए आप लोग। उसके बाद वाटर निकाल दीजिए और एक अमोनिया का मॉलिक्यूल NH3 निकाल दीजिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जबरदस्त ऑप्शन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में हम लोग आज आपके साथ में हैं। मैं जरूर ये बताऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन आपने करने की कैपेसिटी पैदा कर ली, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर अगर पकड़ बनानी है तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर हमारे साथ करते रहिए। बीच बीच में हम कराते रहते हैं, कभी टफ, कभी इजी, कभी कुछ, ये सब चलता रहता है हमारे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। कभी तो लोग कहते हैं अरे सर इतना लेवल कैसे डाउन होगा, कभी अरे सर इतना लेवल हाई। अरे भाई, तैयारी हर तरीके की होनी चाहिए, तैयारी हर तरीके की होनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का स्लॉट हमारे पास में आज है और ये स्लॉट अगर आप लगाते हैं तो ईमानदारी से कहता हूं कि वाकई में आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। तो जितने भी भाई बहन हैं, डटे रहें, पूरे मौका वारदात के साथ में घटना को अंजाम देना है कि हमें नंबर बेस्ट लानी है, परफॉर्मेंस बेस्ट करनी है। चौधरी जी बताइए क्या हालचाल है आपके चौधरी जी? जी चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। When sulfur is heated with aqueous NaOH, the compound formed। जब सल्फर को NaOH के साथ में हीट करेंगे तो रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए, ये हम NaOH ले लेते हैं, और इसको हम सल्फर, अगर सल्फर लेते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा सल्फर 8 हम लेकिन सल्फर से ही बैलेंस करेंगे तभी काम चलेगा। एक तो सल्फर के साथ में Na2S2O3 बनाता है NaOH, तो वो कंपाउंड बना लेते हैं, बैलेंस बाद में कर लेंगे। Na2S2O3 बनाता है और एक बनाता है कंपाउंड Na2S भी बनेगा, दो हो गए। और साथ में निकलेगा आपका, दिमाग लगाइए क्या निकलना चाहिए, यहाँ पर वाटर निकलना चाहिए क्योंकि OH है तो एक वाटर। अब बैलेंसिंग कर लेते हैं, बैलेंसिंग कर लेते हैं। बैलेंसिंग की हालांकि ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट हमें ये Na2H दिख गया, Na2S2O3 दिख गया, वाटर दिख गया, तो बैलेंसिंग की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका मन कर रहा हो तो फिर यहाँ पर दो और दो चार, अगर यहाँ पर दो सल्फर कर देता हूँ, चार सल्फर कर दूँ तो यहाँ पर हो गया दो, और यहाँ दो लगा देता हूँ तो चार सल्फर हो गया, तो चार ये हो गया, 6 लगा दीजिए। और यहाँ पर हो गया आपका 2 दूनी 4, तो ठीक है, यही बैलेंस और यही यहाँ पर इक्वेशन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन, बेहतरीन से बेहतरीन, ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ में आप हमारे साथ हैं इस ब्लॉक की सीरीज़ के लिए। तो सभी लोग एक बार इन क्वेश्चंस को ज़रूर सैल्यूट करिए कि नहीं सर क्वेश्चंस बेहतरीन हैं आपके। चलिए, मेरा कहने का उद्देश्य है कि क्वेश्चन इसी कैटेगरी के अगर आप करते रहो तब भी लेवल हमारा बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, टेंशन विदाउट टेंशन रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। टिन डिजॉल्व इन बॉइलिंग, टिन डिजॉल्व इन बॉइलिंग कास्टिक सोडा सॉल्यूशन बिकॉज दिस इज फॉर्म्ड। Na2SnO3 बताया है सभी लोगों ने, तो जरा हम लोग चेक भी कर लेते हैं क्या रिएक्शन क्या होगी। मेन बात है कि रिएक्शन क्या होगी। तो रिएक्शन जवाब आपका सही है सभी लोगों का, लेकिन हमें हमारा काम है कि रिएक्शन अगर हम आपको बता देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पर एसन हो गया, एसन हो गया, और NaOH कास्टिक सोडा NaOH ले लीजिए। NaOH 2 लेने पड़ेंगे और साथ में मिलाना पड़ेगा इसमें वाटर, और जैसे ही वाटर मिलाएंगे तो यहाँ पर Na2SnO3 बन जाएगा और साथ में निकल जाएगी यहाँ पर एसन O3 हो गया, Na2 हो गया। अब क्या बचा, ऑक्सीजन बैलेंस कर दो, ऑक्सीजन बैलेंस कर दीजिए। अगर हाइड्रोजन 2H2 निकाल देते हैं 2H2, तो देख लेते हैं 2 और 2 4, ठीक है, बैलेंस हो गए। बिल्कुल राइट आंसर है आपका Na2SnO3 बन जाता है, Na2SnO3 बन जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। सोडियम कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द ब्राइन सॉल्यूशन। ये NCERT में भी दिया है और 11th की इस क्लास स्टडी में आप लोग इससे पढ़ाते भी हैं। सोडियम कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द ब्राइन सॉल्यूशन बिकॉज, 10th वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोडियम बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड नॉट सोडियम, बिल्कुल राइट आंसर। 2nd वाला, सोडियम लिबरेट रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस NaOH एंड हाइड्रोजन, 10th वाला का 2nd ऑप्शन सही है कि सोडियम बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन लिबरेटेड एट कैथोड, 2nd वाला ऑप्शन है। 2nd वाला इज द, दिस इज राइट आंसर, राइट आंसर। प्रीति सक्सेना, वेरी गुड, नाइस। मनु, बहुत सुंदर। जवाब ऐसे ही देते रहिए, हम भी आपके साथ हैं। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द कंपाउंड, हो कितना PGTs का आया हुआ क्वेश्चन। अगर आपको ना भरोसा हो तो देखिए, ओल्ड PYQ है PGT का, PYQ है PGT का। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन कम हो लेकिन बेहतरीन हो, इसी तरीके से हो। 11वां क्वेश्चन देखिएगा। 11वां कह रहा है कि द कंपाउंड X एंड Y आर ऑब्टेन्ड बाई रिएक्शन ऑफ द क्लोरीन एंड OH। ये NCERT में भी दे रखी है। इसमें NaClO बनता है और NaClO3 बनता है, ठीक है। कोल्ड और डाइल्यूट NaOH के साथ में कंपाउंड X और Z बनते हैं विच विद हॉट एंड कंसनट्रेटेड ऑफ द NaOH, द फार्मूला Y एंड Z। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ NaClO बनता है, NaClO बनता है, और हॉट एंड कंसनट्रेटेड के साथ NaClO3 बनता है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और 2021 में 2021 में ऐसा क्वेश्चन आया भी था, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रीति सक्सेना, दिलीप पांडे जी आपको पता होगा 2021 में ऐसा क्वेश्चन आया था। ये PYQ है PGT का, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस आप अगर देखते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। 12वां क्वेश्चन देखिए, Na2CO3 कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। Na2CO3 कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू Na2CO3 मैन्युफैक्चर होता है। बट ये NCERT में भी दिया है और ये क्वेश्चन CBSE के 11th क्लास में पूछा भी जाता है। NCERT बेस है ये। ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है ये, NCERT बेस्ड क्वेश्चन। चलिए जवाब दीजिएगा। 12वें का जवाब आपको पता होना चाहिए कि भूमि डी जवाब दे रही, बाकी लोग भी जवाब दें। 12वें 12th क्वेश्चन का जवाब आप चाहते हैं हम आपसे। Na2CO3 कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस बट K2CO3 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि KHCO3 इज मोर सॉलेबल देन NaHCO3, क्योंकि जो अगर ये मोर सॉलेबल हो जाएगा, ये सॉलेबल नहीं हो पाएगा, तभी तो हम इसको प्रेसिपिटेट करके गर्म करके बनाते हैं Na2CO3। और जब ये घुल ही गया तो फिर कैसे बना पाएंगे, तो इसलिए हमारे पास जवाब होना चाहिए ये ज़्यादा घुल जाता है और ये लेस होता है। ये लेस होगा, जब लेस होगा तभी गर्म करके बनेगा, और जब ये मोर होगा तो इसका मतलब ये अवेलेबल ही नहीं होगा, अवेलेबिलिटी डाउन हो जाएगी। तो यही इसका बेस्ट रीज़न है, ठीक है। KHCO3 इज मोर सॉलेबल देन NaHCO3। बेस्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जगमोहन जी आपसे गलत नहीं होना चाहिए था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो NCERT अगर आप पढ़ाते होंगे तो 100% आपसे गलत नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपने जवाब 4th दिया। फिर 13 पर आप गए हैं, जिंक रिएक्ट विद एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव, अभी मैंने बताया कि हाइड्रोक्साइड टू गिव जी। 13 का जवाब देंगे आप लोग, Na2ZnO2। अभी रिएक्शन ऊपर बताई, सोडियम जिंकेट बनता है, बिल्कुल राइट, सोडियम जिंकेट बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट Na2CO3.10H2, ये भी PYQ है, दिस इज PYQ PGT, PGT का PYQ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करना चाहिए आपको, ऐसे क्वेश्चंस पर नजर रखनी चाहिए। तो 14 का जवाब दीजिए। इट कंटेन्स कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड, राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है। इसके अंदर आयनिक बॉन्ड है, मतलब इसके अंदर आयनिक बॉन्ड। इट कंटेन्स कोवेलेंट एंड आयनिक, तो यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है। फॉल्स स्टेटमेंट देना है तो इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड भी मिलेगा और यहाँ पर आयनिक भी मिलेगा, ठीक है। इट रिमूव्स ओनली परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, इसका मतलब 14 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी भाई यूज ही होता है, डाला जाता है। इट डज नॉट गिव्स पिंक कलर विद HPH, पिंक कलर नहीं देता है। ऑल आर ट्रू, इसमें सभी स्टेटमेंट सही है, यानी कि ये भी राइट, ये भी राइट। तो 14th वाले का जवाब D आना चाहिए, ऑप्शन 1, 2, 3 ये सभी ट्रू ऑप्शन है, तो ऑल आर ट्रू। फॉल्स स्टेटमेंट इसमें नहीं है, मतलब क्वेश्चन में भी दिया फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट इज, तो नीचे ऑप्शन दे दिया ना, ऑल आर ट्रू, ये सभी ट्रू है, फॉल्स यहाँ पर नहीं है, 4th वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा। पढ़िए तो ऑप्शन फॉल्स पूछा है, नीचे ये भी तो दिया है ऑल आर ट्रू। फॉल्स पूछने के बाद नीचे ऑल आर ट्रू का ऑप्शन भी दिया है। ठीक है भूमि, दिमाग लगाइए, केवल फॉल्स ना ढूंढिए, घबरा जाएगा। The relative thermal stabilities of the alkali metal halides are such as the relative thermal stability। ऊपर से नीचे आने पर थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। जगमोहन जी यही तो क्वेश्चन की ऑप्शन में दिया है फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट, तो यही फॉल्स, ये सब ऊपर वाले ट्रू हैं। क्वेश्चन कंफ्यूजन कर रहा है वो इसीलिए कि यही वाली बात तो यही तो गड़बड़ हो गया है ना, ये सभी ट्रू हैं, ये बात यहाँ पर झूठी जो ऊपर आपको दे रखा है ये चीज फॉल्स, यही बात पूछी गई है यहाँ पर। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तब हम जाते हैं। ये क्वेश्चन पैटर्न है जगमोहन जी, यहाँ जिद की बात नहीं है, दिस इज क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न है यहाँ पर, क्वेश्चन पैटर्न है ये। ऐसे पैटर्न भी जानिए, ये अपनी जिद नहीं है कि सब ट्रू फॉल्स पूछा क्वेश्चन की, नहीं तो ये फोर्थ वाला ऑल आर द ट्रू। ठीक है जगमोहन जी, ये तो एक बच्चों वाली बात हो गई कि ये कैसे हुआ, ये दिस इज द क्वेश्चन पैटर्न। अगर आपने पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन पैटर्न है। ठीक है कोई नहीं, अब आप इसमें से बुक आराम से छांटिए और ढूंढिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के कंसेप्ट को पढ़िए। कंफ्यूजन हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन मैं आपको बता तो रहा हूँ, दिस इज द क्वेश्चन पैटर्न, यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न है। अच्छा ये बताइए एनसीईआरटी में आपने पढ़ा है कि वॉशिंग सोडा को कहाँ पढ़ा है आपने? वॉशिंग सोडा को पढ़ा है, इट इज यूज टू रिमूव द, आपने पढ़ा होगा, परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। ठीक चलिए कोई बात नहीं। टेम्परेरी तो करता ही है, लेकिन परमानेंट में भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है एज यू विश, आप जो लगाना चाहे लगाइए, मेरा काम बताना था मैंने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है। मैं यहाँ जबरदस्ती नहीं करूँगा, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार खुद सर्च करिएगा समझ में आएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं कि आप फॉल्स करते रहें मैं ट्रू करता रहूँ, टाइम वेस्टिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। चलिए आपको अगर लगता है तो आप वही लगा दीजिएगा, मैं तो यही कहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन ज़्यादा चला जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। खैर 15 पर आइए, द रिलेटिव थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द, क्योंकि आप क्वेश्चन के पैटर्न को नहीं समझ पा रहे हैं, आप सिर्फ जिद पर जा रहे हैं कि नहीं साहब ये होगा वो होगा, क्योंकि क्वेश्चन के पैटर्न, जरा बीपीएससी का पैटर्न उठाइए, आपको पता लग जाएगा कि वहाँ किस तरीके के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और जो बोर्ड होता है वो आपकी बात को नहीं मानेगा, आप जिद करे रहिए ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो बच्चे पूरी किताबें लिए घूमते रहते हैं, लेकिन बोर्ड उनको नहीं मानता है और उसके बाद बेचारे कर कुछ नहीं पाते। इसलिए कुछ जगह पर जबरदस्ती नहीं चलती, हम एक दूसरे की नॉलेज नहीं चेक कर रहे हैं, हम उस बात को समझने की कोशिश करें जहाँ पर हमें अपने कंपटीशन को निकालने में मदद मिले, दैट्स ऑल। द रिलेटिव थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कली मेटल हैलाइड्स आर सच दैट, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ऊपर से नीचे आने पर यानी कि लिथियम से चलेंगे और लिथियम से चलने के बाद हम लोग सीजियम तक आएंगे, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है एल्कली मेटल्स की। तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब है फिर तो उल्टा ऑर्डर यही लगा हुआ है, थर्ड वाला उल्टा ऑर्डर लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा सीजियम क्लोराइड, उसके बाद रुबिडियम क्लोराइड, उसके बाद पोटेशियम, देन सोडियम और देन लिथियम क्लोराइड। ठीक है जी। फिफ्टीन का थर्ड हो गया। A solution of iodine in aqueous solution KI on being treated। अब आगे पढ़ लेते हैं। सिक्सटीन वाले क्वेश्चन को आगे पढ़ लेते हैं। हाँ हाँ सॉरी, 15 वाला देखिएगा, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। ठीक है रुक जाइए, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान दो। ओ प्रीति रुक जाओ, ठीक है सही है। देखो यहाँ पर ये थर्ड है, लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखनी पड़ेगी, वो ध्यान नहीं दी मैंने, ये मेरा फॉल्ट है कि अगर हम लोग इस ऑर्डर को देखते हैं तो इस ऑर्डर में लिथियम देन सोडियम, देखिए लिथियम देन सोडियम, और इसकी आरबीसीएल से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल यहाँ पर लगा हुआ है। नहीं प्रीति, यहाँ पर ये एक्सेप्शन लगा हुआ है, मैं खुद फॉल्ट कर गया। पोटेशियम क्लोराइड जो होता है इसकी थर्मल स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू रुबिडियम क्लोराइड ज़्यादा होती है जी। बस यही एक एक्सेप्शन, ऊपर से नीचे जब चलते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ता है, ये ठीक क्रम है, लेकिन ये बीच में एक्सचेंज रहता है, ये एक्सचेंज रहता है। चेक कर लीजिए, नोट करिएगा इसको, कहीं पर इसको नोट करिएगा। ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, लेकिन इस वाले को एक्सेप्शन को नोट कर लीजिए, कहीं पर इतने वाले एक्सेप्शन को नोट करिएगा। चलिए इसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द KI ऑन हीट ऑन बीइंग ट्रीटेड विद। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। और विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द Na2S2O3 के साथ आयोडीन को ट्रीट कराइए। तो यहाँ पर रिएक्शन देख लेते हैं एक बार। Na2S2O3 दो लेके देखें, आयोडीन भी दो है ना, इसलिए Na2 ले लेते हैं, बनेगा 2Na बनेगा और साथ में बनेगा Na2S4 और O कितने हो जाएंगे, O6 बनेंगे, टेट्राथायोनेट बनता है ना O6, यानी कि 16 वाले का जवाब जो है फिर आपका B आ जाएगा। B बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा, इसे नोट करिए। अधिकतर लोग जल्दीबाजी में यहाँ पर जवाब देने के चांस में ये वाला पहला वाला ऑप्शन जल्दी दे जाते हैं जवाब, जबकि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये वाला सही है। तो मनु इस क्वेश्चन को भी नोट करो, इस क्वेश्चन को भी नोट करिए, बहुत ही अच्छा जवाब है। बहुत ही जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करिए, क्वेश्चन को पहले डिसाइड ना करिए आप लोग, क्वेश्चन को पहले अंडर एस्टिमेट ना करिए। 17 पर चले आइए, बहुत ही अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत आया है। मंजीत बताइए, मंजीत, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर CsBr3। CsBr3 के बारे में आप क्या करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 17 वाले पर बताइए, CsBr3 को तोड़िए। जैसे आपने I3 नेगेटिव पढ़ा है वैसे ये Br3 नेगेटिव है, तो इसका मतलब है सीजियम पॉजिटिव में टूटेगा और Br3 नेगेटिव में टूटेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जाएगा। बताइए जवाब दीजिए। थक जाते हैं लग रहा है जवाब देके, साइलेंट मोड में चले जाते हैं लगता है। देखिए पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर डिस्कशन भी होना चाहिए, बात भी होनी चाहिए। ठीक है, आप अपनी बात कहेंगे, हम अपनी कहेंगे, लेकिन कम से कम एक्टिव बने रहें, अच्छा लगता है। दिस इज़ द डिस्कशन ना, हम यहाँ आपसे कुछ कह पा रहे हैं और आप हमसे कुछ कह पा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पर डिस्कशन जब होता है तो लगता है कि ना कि कुछ पढ़ रहे हैं, अदरवाइज तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो इसलिए बोलते रहिए आप भी, हम भी बोलते रहें। अमंग KO2 AlO2 का AlO2 माइनस BaO2 एंड NO2 पॉजिटिव अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन, किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे? जवाब दें, किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे? बोलिए। सभी लोग बी दे रहे हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश ये करूँगा कि अगर आप देखते हैं KO2 बिल्कुल सही जवाब है। KO2 ले लेते हैं, KO2 ले लीजिए। इसमें तो K पॉजिटिव ठीक है, यही टूटता है ना, K पॉजिटिव और O2 नेगेटिव में टूटेगा। तो इसका मतलब हुआ इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके अंदर अनपेयर्ड आएगा। ठीक है, अब आपने जवाब दिया है कि सर AlO2 माइनस भी है, तो Al ट्राई पॉजिटिव जब बनाएंगे तो O2 पर एक नेगेटिव ऑलरेडी है, तो 2 नेगेटिव और आ जाएंगे इसके ऊपर। एक नेगेटिव ऑलरेडी है, ठीक है, K पर Al ट्राई पॉजिटिव टूटेगा और इस पर 2 नेगेटिव और आएंगे। तो इसका मतलब हुआ पर यहाँ से पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हम लोग क्या करें, एक ऑप्शन सुपर ऑक्साइड में ही माने। KO2 इज ओनली KO2, AlO2 नेगेटिव में नहीं आ पाएगा, AlO2 नेगेटिव में नहीं आ पाएगा। एक पहले से है, केवल 2 ही नेगेटिव, उस पर एक और आ जाएगा। जी बताइए। ठीक है, बेस्ट आंसर यही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 19, द पेयर ऑफ कंपाउंड्स विच कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर इन सॉल्यूशन इज, द पेयर ऑफ कंपाउंड्स विच कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर इन सॉल्यूशन इज। बोलिए। कौन सा पेयर सॉल्यूशन में एक साथ नहीं रह पाएगा? हमेशा एसिड बेस के साथ में नहीं रह सकता। एसिड अगर बेस के साथ में रहेगा तो सॉल्ट बन जाएगा, तो सॉल्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये एसिड हुआ, ये बेस हुआ, तो यही नहीं रह पाएगा साथ में। हरिओम प्रीति सक्सेना जी, देखिए ध्यान से, यही दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे, यही दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि एक एसिड है और एक बेस है। ये तो रह लेंगे, ये सॉल्ट है, दिस इज सॉल्ट, दिस इज एसिड, दिस इज सॉल्ट, दिस इज बेस, दिस इज सॉल्ट, एसिड, और ये वाटर है, एक्वस फॉर्म में रह लेगा। तो कभी भी एसिड बेस के साथ में नहीं रह पाएगा, दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। समझ गए ना बात? चलिए कोई बात नहीं, बहुत सुंदर। आप खाना खाते जाइए मस्ती के साथ, मुंह को भी थकाइए और दिमाग को भी थकाइए, और हाथ भी, अगर पेन कॉपी है तो उसे भी चलाइए। चलिए हरिओम जी बताइए, 20 वाली का जवाब क्या होगा? सोडियम नाइट्रेट Na NO3, दिस इज सोडियम नाइट्रेट। इसे लेकर के आप गर्म कर दीजिए। जैसे ही सोडियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे आप तो Na2O बनता है, Na2O बनता है, याद है, और O2 बनेगा और साथ में निकलेगी नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा 20 वाले का? 20 वाले का कौन सा होगा? बैलेंसिंग कर लीजिएगा बाद में, अगर 4 यहाँ पर लगा दो तो यहाँ 2Na2O हो जाएगा, बाकी यहाँ पर हो गए 4×3=12, 2 × 5=10, यानी कि जवाब आपका फर्स्ट वाला। Which among the following is most soluble in alcohol? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए, 21 वाले का जवाब दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Which among the following is most soluble in alcohol? जिसमें कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, जिसमें कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। जिसमें कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, जी बताइए। ठीक है, चलने लग जाता। 21 का होगा बी, बिल्कुल सही, बी लिथियम क्लोरेट, बिल्कुल सही। उसके बाद 22वां क्वेश्चन देखिएगा, 22वां क्वेश्चन ये भी बहुत ही बढ़िया। अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन ईथर इज, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन ईथर इज, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन, ये याद करना पड़ेगा। कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन ईथर, ये याद करना पड़ेगा, ये याद रहे तभी बन पाएगा, ये याद होना चाहिए। यहाँ पर प्रीति लिथियम की लेटेस्ट एनर्जी से काम नहीं चलेगा, यहाँ साइज का काम है केवल। लिथियम कैटायन है, स्मॉलेस्ट साइज होगा, मोर कोवेलेंट करेक्टर होगा, ये एनायन सभी में सेम है, एनायन सभी में सेम है, तो लेटेस्ट एनर्जी का कंसेप्ट यहाँ कोई भी नहीं लगेगा। एनायन सेम है, कैटायन का साइज देखना पड़ेगा बस, फजान रूल का काम है यहाँ पर, फजान रूल का काम है, फजान्स रूल का काम है यहाँ पर, बाकी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर 22 का डी वायलेट इन कलर। भाई लाइट रिफ्लेक्ट होगी, गोल्डन येलो होती है सोडियम की, अगर वेवलेंथ देखो तो गोल्डन येलो को एब्जॉर्ब करेगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फिर कलर निकालेगा, ब्लू वायलेट निकालेगा, तो वही वायलेट कलर होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाइए, 23rd पर आ जाइए। पिक द ऑड वन आउट, इसमें ऑड वन को पिकअप करना है बहुत जल्दी से। पिक द ऑड वन आउट, ट्वेंटी थर्ड वाले में आइए। ए वाला है, वेरी गुड, बहुत सुंदर, यही है, क्योंकि यहाँ पर आप नोट कर पा रहे होंगे कि इसमें यह वाला जितना भी, ये सभी एल्कली मेटल हैं, ये हाइड्रोजन है, ये भी एल्कली मेटल है, ये हाइड्रोजन है, ये डिफरेंस है, ये ऑड है, ये मेटल हैं दोनों एल्कली मेटल, ये भी एल्कली मेटल, ये भी एल्कली मेटल का है। उसके बाद देखिए, द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम हैलाइड इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। 24th वाले पर आ जाइए, द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम हैलाइड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट इज इन होगा यहाँ पर इन नॉन